يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس. ये पूरा बड़ा जो है पूरा का एक कब्रिस्तान है जिसमें हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम मदफन है, और इस शहर का नाम जो है वो जद्दा इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि जद कहते हैं दादा और नाना को और जद्दा कहते हैं दादी या नानी को, तो आपकी ही निस्बत से इस शहर को जो है वो जद्दा कहा जाता है। अभी वो इस्तेमाल की वजह से लोग जद्दा कहने लगे, वरना इसका असल नाम जो जद्दा है वो आपकी तरफ ही मतलब निस्बत करते हुए। और ये जो है वो इसका लोकेशन है बगदादिया और बलद के पास में। इसी तरह इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ बने रहें। अभी मैंने नया नया चैनल शुरू करा है और कोशिश किया हूँ कि इंशाल्लाह मैं जो है वो जिस जगह पर रहता हूँ वहाँ के आसपास के जो तारीख़ी शहर है, तारीख़ी जगह है, तारीख़ी मकाम है, हिस्टोरिकल पैलेस है, इंशाल्लाह मैं उसको एक्सप्लोर करूँ। तो आप लोग मेरे से बने रहें। अभी ये नया नया चैनल मैंने स्टार्ट किया है, शुरू किया है, कोशिश की है। कोई बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं आती मुझे और कोई बहुत ज़्यादा मतलब ग्राफिंग वगैरह नहीं आती है, बस इंशाल्लाह जो मुझे मालूम है या जैसा मतलब मेरी नॉलेज में रहेगा इंशाल्लाह मैं उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और मेरे साथ बने रहें इंशाल्लाह। और अगर आप लोगों को कोई सवाल वगैरह हो तो भी मुझसे कर सकते हैं इंशाल्लाह। या अगर आपके मालूमात में अगर कोई जिद्दा में या मक्का शरीफ में अगर कोई पैलेस है, इंशाल्लाह मैं मक्का शरीफ को भी अल्लाह ने चाहता हूँ मैं इंशाल्लाह मक्का शरीफ को भी मतलब जो उसकी तारीखी मकाम है जैसे जबल फौर है, जबल नूर है और जो भी उसके आसपास में मतलब मैदान अरफात वगैरह है उसको भी इंशाल्लाह मैं एक्सप्लोर करूँगा, मतलब वीडियो वगैरह बना के आप लोग तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप लोग के पास भी अगर कोई जगह का नाम वगैरह हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहता हूँ मैं उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।